चेन सर्जरी इसी ने करवाई थी, उसने मेरे को 50-60 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी दिए थे कि जाओ तुम फेस सर्जरी करा के आओ। मेरा 3 लाख का बिल था, 50 हज़ार रुपये इसने दिए थे। इसने मेरा फेस तक भी चेंज करवा दिया और अब शादी के लिए मना कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी जुलाई में लास्ट सर्जरी है सिग्मॉइड। मेरी लाइफ तो वैसे भी इसने ख़राब कर दी है, मेरी बॉडी चेंज करा के मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स कर कर के शादी का बहाना दे दे के। सच कहा, जो सुना आपने वो सच है। इश्क में इंतहा इंसान को बर्बाद कर देती है। और इंदौर में इश्क की ये कहानी वाकई काफी हैरान करने वाली है। 3 साल तक दो लड़कों में प्यार और प्यार का ये अंजाम, दो लड़कों की मोहब्बत और शादी से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट। ये कहानी काफी हैरान करने वाली मैंने इसलिए कहा कि ये लव स्टोरी जिसकी शुरुआत कुछ और होती है, इंटरवल कुछ और होता है और फिल्म के क्लाइमैक्स तक आते आते बहुत कुछ बदल जाता है। दरअसल कहानी शुरू होती है इंदौर में, जहां एक लड़के को सोशल मीडिया पर दोस्ती हो जाती है और वो लड़का जिससे दोस्ती करता है वो कानपुर के रहने वाले किसी लड़के से दोस्ती करता है। अब दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती है और देखिए हैरान करने वाली बात कि दो लड़कों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पनप जाती है, क्योंकि दोनों के ही मन में एक अजब सी सोच चल रही थी, क्योंकि इस तरफ जो इंदौर में था उसको भी लड़कों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन था और उस तरफ जो था उसको भी लड़कियों की तुलना में लड़कों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन था। ठीक, अब इतना यहाँ होता है, दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती है, मुलाकात तय होती है। तो करीब फरवरी में 2022 की बात है या 21 की बात है, 21 में इन लोगों की मुलाकात होती है वृंदावन में और दोनों मिलकर एक बड़ा फैसला ले लेते हैं। दो लड़के हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। बड़ा फैसला ये होता है कि एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं तुमसे शादी करूँगा। देखिए शादी करूंगा लेकिन एक शर्त रख देता है, शर्त भी काफी अजीब थी। शर्त यह थी कि तुम जेंडर चेंज करा दो। ठीक, अब यह जो इंदौर का लड़का था ये इश्क में इस कदर जिसे कहते हैं पागल हो चुका था कि वो लड़का जो कहता वो सब करने तैयार हो गया था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो शादी करेगा। तो सर्जरी होती है जैसे जेंडर चेंज कराने की, वो सर्जरी करा लेता है, तकलीफ सहता है, लेकिन मन में एक अरमान रहता है कि अब शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक। इसी बीच में जो लड़का जिसके कहने पर सर्जरी कराई वो लड़का धीरे धीरे गायब हो जाता है। गायब ऐसे में धीरे धीरे कह रहा हूँ कि ना वो बात करता है, बीच में उसने जो एड्रेस दिया था अपना वो एड्रेस भी गलत निकलता है। इधर जिसकी सर्जरी हो गई थी वो परेशान कि अब वो कहाँ ढूंढे। तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि दोनों 2023 में फिर मिलते हैं वृंदावन में और फिर कमिटमेंट होता है कि नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा, और शादी करने की पूरी तैयारी हो जाती है। वो कानपुर का रहने वाला लड़का इंदौर पहुँच जाता है इसके घर पर। शादी की तैयारी के बीच में कहानी में ट्विस्ट आता है और वो जबरदस्त ट्विस्ट था। पुलिस बता रही, पहले पुलिस से सुन। सर्जरी करा के लड़की बन जाती हो तो मैं मेरे मदर फादर से बात करके और शादी कर लूँगा। तो उसी आधार पे इसने अपनी यहाँ पे सर्जरी वगैरह करवाई, तो आधी सर्जरी हुई थी, फिर 2023 में फिर ये मिलने उसको वृंदावन में बुलवाया था जुलाई में। और उसके बाद में ये मिलने के बाद में जब वापस लौटी फिर वो अभी मिलने जुलाई में, वो जो ने विभव शुक्ला है वो आरोपी जो है वो यहाँ मिलने आया था इंदौर में स्टेबल होटल में मिले थे ये, इसके नंबर 54 में। और उसके बाद में इसको बिल्कुल उसने भरोसा दिया था कि मैं शादी करूँगा। फिर ये 9 फरवरी को फिर ये मिलने वापस उससे कानपुर गई थी, लेकिन वहाँ उसने मना कर दिया कि मैं अब तुझसे शादी नहीं कर सकता। पुलिस तक मामला क्यों पहुँचा?
पुलिस तक मामला इसलिए पहुंचा कि फरियादी पीड़िता जो है उसने पुलिस को जब ये पूरी कहानी बताई कि उसके साथ बहुत गलत काम हुआ है इतने सालों तक, दोस्ती के नाम पर और शादी कराने का झांसा देने के नाम पर। लेकिन पीड़िता की आप बीती आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे, सुनिए। मुझसे मिला था 2020 के एंड में, लॉकडाउन के बाद हम लोगों की बातचीत शुरू हुई थी इंस्टाग्राम पे। उस टाइम मैं उसका रियल नेम नहीं जानती थी कि क्या उसका रियल नाम है, सोनू नाम करके एक उसकी आईडी थी, उससे हम लोगों की बातचीत शुरू हुई थी। फिर उसके बाद उसने मेरी तरफ अट्रैक्शन दिखाना शुरू किया, मुझे भी उसकी तरफ अट्रैक्शन हुआ क्योंकि मेरा कोई दोस्त था नहीं, मुझे शुरू से ही बॉयज़ में फीलिंग थी। फिर उसने बाद में मुझे बताया कि उसे भी बॉयज़ में फीलिंग है। उस टाइम मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई थी, मैं उस टाइम पर एक बॉय ही थी। हाँ, फिर धीरे 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 करके हमारी बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई, दोस्ती गहरी हुई, दोस्ती प्यार में कन्वर्ट होने लगी। फिर उसके बाद वो मुझसे वृंदावन में एक बार मिला था, तो हम लोगों की आमने सामने बात हुई थी। तब उसने बोला था कि दीप तुम अपनी सर्जरी कराओ, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम कंप्लीट सर्जरी कराओ, मैं फैमिली में बात करूंगा तुम्हारी शादी करने के लिए, मैं फैमिली को मनाऊंगा, या तो मैं सब छोड़ के इंदौर आऊंगा तुम्हारे पास रहूंगा, शादी करूंगा, तुम अपनी सर्जरी कराओ। वाकई बहुत ही हैरान करने वाली ये लव स्टोरी। प्यार करना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता, इश्क में अंधे हो जाना गलत बात है, क्योंकि जब मोहब्बत अंधी हो जाती है तो ना राह नजर आती है, ना जिंदगी में फैसले कुछ समझ में आते हैं। यही वजह है कि जिससे मोहब्बत की उसके लिए जेंडर ही चेंज करा डाला, लेकिन मोहब्बत का ये खतरनाक अंजाम होगा ये उस लड़के ने भी नहीं सोचा था। अब पुलिस जो है दूसरे लड़के की गिरफ्तारी में जुट गई है। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाइए, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, आप देखते रहें।